हेलो मई स्टूडेंट्स सो टूडेट स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ए न्यू सोशल चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स फॉरेस्ट एंड वाइलड लाइफ ओके फॉरेस्ट एंड वाइलड लाइफ सो इट इस अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत ईजी है सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट वाट आर द अडवांटेजेस ऑफ हैविंग फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हाउ टू कंसर्व दैट फॉरेस्ट हमको कैसे हमारा फॉरेस्ट सभी प्रोटेक्ट करना है एंड द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया वाट आर द डिफरेंट एनिमल्स वी कैन फाइंड इन इंडिया फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मतलब क्या फ्लोरा मतलब जो प्लान्ट जंगल में होता है एंड फोना मतलब एनिमल लाइफ ओके फ्लोरा एंड फोना

स्टेट्स ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट पहले हमको फॉरेस्ट का डेफिनेशन देखेगा सो so, फॉरेस्ट को हमने हिंदी में क्या बोलते हैं फॉरेस्ट को हमने हिंदी में जंगल कहते हैं ओके सो फॉरेस्ट मीन्स इट इज़ ए लार्ज एरिया दट इज़ टोटली कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स दट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट ए फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया दैट इज टोटली कवर्ड विथ ट्रीज एंड सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स एक बहुत बड़ा एरिया है ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया उधर पूरा क्या होता है उधर पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ये सब भी होते हैं ओके सो इट इज़ लाइक ए गिफ्ट ऑफ नेचर प्रकृति का एक गिफ्ट की तरह होता है सो नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट वाट आर द एडवाटेजेस ऑफ हैविंग फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट की वजह से हमको क्या क्या चीज़ मिलता है हमको क्या क्या मदद होते हैं लेट अस सी सो फर्स्ट पॉइंट वी गेट अलाट ऑफ थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट जंगल के अंदर से हमको बहुत ज़्यादा चीज़ मिलते हैं लाइक मेडिसिनल हर्ब्स फ्रूट्स टिम्बर हनी गम रबर ये सब भी मिलते हैं मेडिसिनल हर्ब्स मतलब क्या हर्ब्स का मतलब क्या हर्ब्स मतलब स्मॉल प्लांट्स ओके छोटा छोटा प्लांट्स होते हैं सो so, ये प्लांट्स का सम पार्ट्स वी कैन यूज़ फॉर मेकिंग मेडिसिन ओके ये प्लांट्स का जो कुछ पार्ट्स यूज़ करके हमने मेडिसिन बना सकते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लांट्स हमको जंगल uh, से मिलते हैं देन वी कैन गेट लॉट ऑफ फ्रूट्स टिम्बर टिम्बर मतलब लकड़ी ये लकड़ी से हमने, हमने हमारा फर्नीचर आइटम्स भी बनाता है लाइक like हमारा टेबल चेयर देन बेंच डेस्क ये सब भी बनाता है ऑलराइट देन वी कैन गेट हनी देन गम रबर ये सब भी मिलता है ओके नेक्स्ट पॉइंट वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोशन बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज ये पॉइंट हमको पता है सॉइल इरोशन प्रिवेंट करने के लिए हमको ज़्यादा ट्रीज उगाना पड़ेगा ओके सो हाउ दिस ट्रीज एंड दिस प्लांट्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन प्लांट्स एंड ट्रीज़ सॉइल इरोशन को कैसे स्टॉप करते हैं लेट अस सी सो ये प्लांट्स और ट्रीज़ बड़ा होने की वजह से जो उसका रूट भी बड़ा होता है बाद में ये रूट जो उसका आसपास जो सॉइल होते हैं उसको अच्छी तरह होल्ड करते हैं अच्छी तरह पकड़ते हैं ऑल राइट सो बाद में बारिश हो गई तो और बहुत हवा हो गए तो ये मिट्टी सभी नहीं चल जाएगा क्योंकि वो रूट वो सॉइल को अच्छी तरह होल्ड करके रखते हैं अंडरस्टूड सो so, हमको पता है फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा प्लांट्स से बहुत ज़्यादा ट्रीज से इसलिए उधर सॉइल इोशन बहुत कम होता है क्योंकि जो सारा प्लांट्स का और सारा ट्रीज़ का रूट जो सॉइल को अच्छी तरह होल्ड कर होल्ड करते हैं ओके देन इफ़ यू आर लुकिंग ऑन फॉरेस्ट सॉयल जो जंगल के अंदर सॉइल होते हैं उसमें देखें तो उधर ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं ह्यूमस कंटेंट ऑलरेडी वी डिस्कस ह्यूमस मतलब डेड एनिमल्स एंड डी के प्लांट्स उसका कंटेंट ज़्यादा होता है फॉरेस्ट सॉइल में इट इज़ वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन और इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल थर्ड पॉइंट यही है फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स वी नो लॉट ऑफ एनिमल्स एंड लॉट ऑफ बर्ड्स आर लिविंग इन साइड द फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा एनिमल्स बहुत ज़्यादा बर्ड्स अभी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं सो इफ यू आर कटिंग इट हमने उसको पूरा डैमेज किया तो वो एनिमल सभी मर जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट इट कीप्स द एनवायरनमेंट कूल एंड फ्रेश इसकी वजह cool okay? से फॉरेस्ट की वजह से हमारा एनवायरनमेंट कूल होते हैं हमारा एनवायरनमेंट फ्रेश होते हैं क्योंकि इट ऑलवेज रिलीजस ऑक्सीजन ओके डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होते हैं जो फॉरेस्ट से और जो प्लांट्स और ट्रीज से इसकी वजह से हमारा इन्वयमेंट बहुत कूल एंड फ्रेश होता है ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ऑक्सीजन प्लांट्स एंड ट्रीज इट रिलीज अलॉट ऑफ ऑक्सीजन जस्ट नो वी डिस्कस्ड प्लांट्स से और ट्रीज से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होते हैं एंड वन थिंग इम्पोर्टेंट दिस ऑक्सीजन इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर एक्सिस्टेंस लिविंग थिंग्स को जीने के लिए ये ऑक्सीजन चाहिए ओके okay? ऑक्सीजन गैस चाहिए सो so, ये ऑक्सीजन सभी हमको ये प्लांट्स और ये ट्रीज देता है अंडरस्टूड एंड लास्ट पॉइंट फॉरेस्ट आल्सो हेल्प इन प्रसिपिटेशन प्रसिपिटेशन एक्चुअली मींस रेनफॉल ओके बारिश और जो स्नोफॉल ये सभी रेन प्रेसिपिटेशन में होते हैं सो फॉरेस्ट की वजह से हमको ये बारिश सभी मिलता है फॉरेस्ट की वजह से हमको कैसे बारिश मिलता है आर लुकिंग जो ट्रीज होते हैं ट्रीज क्या करते हैं? जो सनलाइट और जो वाम होते हैं वाम्थ को एब्सॉर्ब करते हैं ऐसे जो वाम्थ को खींचने के टाइम जो गर्मी को खींचने के टाइम क्या होता है ये प्लांट्स की पत्ता से और लीव से ये मॉइस्चर सभी उड़ जाएगा ऐसे इट विल गेट कंडेंस्ड एंड देन वी गेट रेनफॉल ऐसे हमको रेनफॉल मिलते हैं ऑल राइट right.

प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या अभी करते हैं अस सी सो बिफोर दैट वी हैव टू लर्न वन टर्म दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन ओके डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स ओके कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स हमने फॉरेस्ट के अंदर जाके उधर से uh, बहुत ज़्यादा प्लांट्स और बहुत ज़्यादा ट्रीज एट ए टाइम काट करते हैं अंडरस्टूड हमने फॉरेस्ट के अंदर जाके उधर जो ट्रीज सभी होते हैं उसको सभी काट करते हैं सो एट ए टाइम हमने बहुत ज़्यादा ट्रीज काट करते हैं दैट इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन ओके इसको हमने डिफॉरेस्टेशन कहते हैं हमने कभी भी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से इट कॉसेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो लेट अस सी व्हाट आर दैट प्रॉब्लम्स सो फर्स्ट पॉइंट यही है इट गोज़ अ सॉइल इोशन इसकी वजह से सॉइल इरोशन हो जाएगा सेकेंड पॉइंट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है इट कोस द एक्सटिंक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इसकी वजह से जो बर्ड्स और ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा एक्सटिंक्ट होना मतलब डिसअपियर हो जाएगा लाइक डाइनोसर्स डाइनोसर्स को देखो अभी हमारा धरती में नहीं है सो so, एक्सटिंक्शन होना मतलब हमारा धरती से वो स्पीशियस वो स्पीशियस पूरा डिसअपेयर होते हैं ऑल राइट नेक्स्ट पॉइंट इट लीड्स टू लेस रेनफॉल ज़्यादा हमने पेड काट किया तो वो एरिया में वाम और वो एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओके okay. उधर बारिश कम हो जाएगा ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा इसलिए उधर ज़्यादा गर्मी हो जाएगा ओके okay.

टू कीप और एनवामेंट क्लीन एंड फ्रेश हमारा एन्वामेंट हमारा आस पास अच्छा रखना चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए हमको ज़्यादा प्लान्ट उगाना पड़ेगा ओके वी शुड प्लांट मोर ट्रीज हमको ज़्यादा ट्रीज़ उगाना पड़ेगा दैन टू प्रमोट दैट उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा गवर्नमेंट भी डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं like, लाइक वन महोत्सव ओके वन महोत्सव मतलब इट इस प्रोग्राम दैट इज़ अरेंजड बाई और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली इट इज स्टार्टड इन नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी में शुरू किया सो उसका मेन एम यही है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है टू प्लांट मोर ट्रीज हमको ज़्यादा प्लांट्स ज़्यादा ट्रीज उगाना चाहिए ओके एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस वन महोत्सव इन जुलाई फर्स्ट वीक जुलाई फर्स्ट वीक में हमने ये सेलिब्रेट करते हैं

दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन हमने प्लांट्स और ट्रीज उगाता है दैट इज़ नॉन एज अफॉरेस्टेशन ओके डोंट गेट कन्फ्यूज देन द प्रॉब्लम्स दैट इज़ कॉज्ड बाई डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते है वो सभी देखा हमने देन वाट आर द प्रोग्राम्स दैट इज़ कंडक्टेड बाई अवर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्लांट मोर ट्रीज ऑल राइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू माई गईस